हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ शिवांगी और आप के लिए आज मैं फिर आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो है, जैसे आप टॉपिक देख के समझ गए होंगे कि आप अपने बच्चे को आइडेंटिफिकेशन करना ऑब्जेक्ट्स का कैसे सिखा सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू टीच योर चाइल्ड टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। और मेरी वीडियोस और चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये और लोगों के लिए भी काम आ सके। तो आइए चलिए हमारी वीडियो। अगर आपका बच्चा अब 2 साल का हो चुका है तो ये बिल्कुल राइट टाइम है कि आप अपने बच्चे को धीरे से ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवा दीजिए, क्योंकि अब हमें उनकी पढ़ाई को लेके कुछ स्टेप्स उठाने होंगे। तो आप सबसे पहले उनको ऑब्जेक्ट स्टार्ट करवाइए। आप कभी भी उनको डायरेक्ट ABCD से मत स्टार्ट करवाइएगा, हमेशा स्टार्ट करवाइए छोटी छोटी चीजों से रिलेटेड। तो आपको ये सारी चीजें मैं बताती हूँ कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हो बच्चे को ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। तो मैं यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज करती हूँ और कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपको हमेशा अपने बच्चे को कोई भी चीज हो, पढ़ाई हमेशा डायरेक्ट बुक से स्टार्ट नहीं करनी है। आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है अपने ही सराउंडिंग से, मतलब आपके आसपास चीजें जो हैं आपको उनसे उनको सिखाना स्टार्ट करना है। जैसे आपके घर पे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, घर में और भी सामान होते हैं, पिलो है, विंडो है, डोर है, तो आपको सबसे पहले उनको ये सारी चीजें आपके डेली लाइफ में ही आपको उनको ये सारी चीजें बताते जाना है कि हाँ ये पिलो है, दिस इज मैंगो, दिस इज पोटैटो, दिस इज बनाना, दिस इज ग्रेप्स। तो इस तरह से आपको करते जाना है। तो आपको सबसे पहले ये आपको इंट्रोड्यूस करना है बच्चे को अपनी सराउंडिंग से। सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आप अपनी सराउंडिंग से स्टार्ट करें, ना कि बुक से। तो आप जब अपनी सराउंडिंग से स्टार्ट करेंगे ना, तो बच्चे को और भी चीजें जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ ये भी क्या है, मैं अपनी मम्मा से ये भी पूछू, व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो ये सारी चीजें आपको हमेशा अपने सराउंडिंग से स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद आपको आ जाना है इस तरह के टॉयज को लेकर, जैसे कि टॉयज आपको मार्केट में इजिली अवेलेबल मिल जाते हैं। तो यहाँ इस तरह के टॉयज तो आपको बच्चे को दिखाना है कि हाँ दिस इज पाइन एप्पल, दिस इज हेलीकॉप्टर, दिस इज एलिफेंट एंड दिस इज बनाना ग्रेप्स। तो इस तरह के टॉयज आपको मार्केट से ले लेने हैं और बच्चे को इंट्रोड्यूस करना है। तो इससे बच्चों का इंटरेस्ट काफी अच्छा जागता है, ना कि बुक से। तो इस तरह के टॉयज आपको मार्केट से ले लेने हैं। फिर उसके बाद अगर आप बच्चे के लिए बुक्स लेते हैं तो आप ये मेक श्योर कर लीजिए कि बच्चे के लिए जो आप बुक ले रहे हैं वो काफी कलरफुल होनी चाहिए, आई कैची होनी चाहिए बच्चे के लिए। जैसे कि मेरे पास एक ये बुक है जो कि मैंने अपनी डॉटर्स के लिए लिया था। मैं एज एग्जांपल दिखा रही हूँ, मेरे पास और भी काफी सारी बुक्स हैं। तो ये है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे देखिए कितनी कलरफुल पिक्चर्स हैं इसकी और कितने मतलब शार्प पिक्चर्स हैं जो कि बच्चे को बहुत अच्छी लगती है। तो आप धीरे से बताइए, अगर आपने बच्चे को पहले कभी अपने सराउंडिंग में काऊ दिखाया होगा और फिर आप अगर उसको बुक में काऊ दिखाएंगे तो आपको उसको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तुरंत बोलेगी हाँ मम्मा दिस इज काऊ। और आप फिर उसको सराउंडिंग से और इसको कोरिलेट करिए कि हाँ बेटा तुमने बाहर काऊ देखी थी, हमने उसे चपाती खिलाया था, तो दिस इज द सेम काऊ, तो ये वही काऊ है। तो इससे क्या होगा, उसकी लर्निंग पावर जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और वो धीरे से चीजों को कोऑर्डिनेट करना भी सीख जाएगी कि हाँ मैंने ये चीज वहां पे देखा था तो मैंने ये चीज यहाँ पे भी देखा। तो इससे क्या होता है, बच्चे की लर्निंग पावर बहुत अच्छी होती है। मैंने एक और चीज बनाया था यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मैंने ये बनाया है अपनी डॉटर के लिए। ये मैंने खुद से हैंड से बनाया था। यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीजें बना दी हैं और उसको एक पेज पे ड्रॉ कर दिया है और थोड़ा सा कलरफुल ड्रॉ किया है ताकि उसको मतलब है कि इंटरेस्टिंग लगे, उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें आए। तो यहाँ पे देखिए मैंने अलग अलग चीजें, यहाँ पे ट्रक, ट्रैफिक लाइट, ट्रायंगल, जो जो चीजें मैंने उसको सिखाई थी मैंने उसी से रिलेटेड यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। और फिर उसके बाद मैंने इसी से रिलेटेड उसके कुछ फ्लैश कार्ड्स टाइप के बनाए हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एप्पल बनाया है, यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन साइन बनाया है और यहाँ पे मैंने
और भी चीज़ें बनाई हैं, जैसे यहाँ पे मैंने स्टार बनाया है और यहाँ पे ये बनाना बनाया है। तो यहाँ पे मैं अपनी डॉटर को दे देती हूँ कि जैसे कि ये है बनाना, तो यहाँ पे आपको देखना है कि बनाना कहाँ पे है, तो ये है बनाना, तो वो उसको यहाँ पे ऐसे मैच कर देगी कि दिस इज बनाना। तो इस तरह की आप एक्टिविटी करवा सकते हो अपने से घर पे, ये विदाउट एनी कॉस्ट है, बस आपको थोड़ा सा इसमें अपना टाइम देना पड़ेगा। और इस तरह की एक्टिविटीज आप अपने बच्चे को करवा सकते हो कि इसमें आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे को वो ऑब्जेक्ट सच में रिकॉग्नाइज करने आया कि नहीं आया। और जैसे ये स्टार है, तो यहाँ पे स्टार कहाँ है, दिस इज अ स्टार। फिर यहाँ पे ये एप्पल है, तो ये एप्पल यहाँ पे लगा देगी वो। तो इससे क्या होता है कि बच्चे का थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है, और आप उससे साथ में पूछते जाइए व्हाट इज दिस, दिस इज डक, वो बताएगी दिस इज कोन, दिस इज स्पाइरल, स्पाइरल शेप, एंड दिस इज एरो शेप, दिस इज जिगजॉग, जिगजैग, और दिस इज एप्पल, पेंसिल, ट्राइंगल, स्माइली फेस। तो इस तरह से आप। सो गाइज, आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी होगी, और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको मेरी सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। और प्लीज़ मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को आगे और शेयर करिए, ताकि ये और लोगों के काम आ पाए। तब तक के लिए बाय, और मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में।